क्योंकि वो अपने जो इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन है वो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 करोड़ इस तरीके से चलता है। उसमें ये इस तरीके से चलती है। एंड जो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है उनके जो बेस चार्ट है वो चलते हैं 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, ओके इस तरीके से चलती है। हमने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1C। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर मिलियन, 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10, 1 ओके इस तरीके से आगे आगे और बढ़ता रहता है। 100 मिलियन आप करके ओके बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इस तरीके से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप करते हैं वो है राइट नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमें इन नंबर्स को लैंग्वेज को लिखना है इस तरीके से लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के थ्रू। ठीक है हमें दिया गया है यहाँ पे ये नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अपने प्लेसेस पे रख लेते हैं। ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये 10,000 और ये क्या है 100,000। अब हमें से लैंग्वेज फॉर्म में लिखना किस तरीके से लिखते हैं। ये तीनों जो है ये आते हैं थाउजेंड के पीरियड में और ये आते हैं वंस के पीरियड में। पीरियड ऑफ वंस, पीरियड ऑफ थाउजेंड, ओके तो ये है पीरियड ऑफ थाउजेंड। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे 100,000, 485,000, 4 जो है ये जो है 1000 प्लेस पे है, ये तीनों जो है वो 1000 प्लेस पे है, 4000 प्लेस पे 400,000 प्लेस पे है। हम इसलिए 400, ये क्या है 85,000 क्योंकि हम अपने इंडियन नंबर में हमारे यहाँ से तो होता ही था 1000 और 10,000। तो अगर मान लीजिए कि इंडियन नंबर है तो इसे क्या बढ़ जाएगा 85,697, तो हम इसे कहेंगे 85,000। यहाँ से आगे से क्या होगा 110,000 मिलियन, ये हमारा इंटरनेशनल वाला आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400, उसके बाद 85,000 उसके बाद हमारा ईमेल नंबर वाला उस तरीके से हम करेंगे 697। ओके हमने क्या किया पहले कि इनको पहले प्लेस चार्ट के हिसाब से अलग अलग कर लिया डिवाइड। देन हमें पता लग गया कि ये तीन जो है ये पीरियड ऑफ थाउजेंड है और ये तीन जो है पीरियड ऑफ वंस है। पीरियड ऑफ थाउजेंड के अंदर 10,000 तक तो क्या इंडियन प्लेसमेंट सिस्टम की तरह ही चल रहा है और जो आगे है 100,000 को हम कैसे लिखेंगे 485,000। तो ये 485,000 जो है ये क्या पीरियड ऑफ थाउजेंड में आ रहा है पूरा। ठीक है और हमारे पास 697 है ये पीरियड ऑफ वंस है इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिमिलरली ऐसे ही होगा। पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, ये 10,000 है, ये 100,000 है और ये क्या है मिलियन। ओके मिलियन देन हम उनसे लिखेंगे। पहले डिवाइड करते हैं ये क्या है पीरियड ऑफ वंस में आ गए, ये तीन के पीरियड ऑफ थाउजेंड में आ गए, ये मिलियन में आ गए। तो हमें सिमिलरली लिखना है ऐसे ही ये क्या होगा 5 मिलियन। ओके 5 मिलियन फिर यहाँ पे हमें क्या किया था 200 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा था 400। ओके तो यहाँ आएगा 200 उसके बाद 8,000 क्योंकि यहाँ पे 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है सीधा 8,000 उसके बाद वन साल जो प्लेस है वो हम वैसे वैसे ही लिखते हैं नीचे लिखती हूँ मैं 735। ओके 5,208,000 क्योंकि ये कौन सा प्लेस पे है 1000 प्लेस पे है। इसे वैसे देखा जाए तो ये 208 है पर कौन सा प्लेस पे 1000 प्लेस पे है तो इसे हम बोलेंगे 208 है। ये अगर हम इसे नॉर्मल सीधा पढ़े तो इसे बोल देगा 208। ओके साइड इनको हटा दीजिए इसे बोल देगा 208 और ये कौन सा प्लेस पे 1000 प्लेस पे है फिर कौन सा 1000 प्लेट है इसे बोल देगा 208,000। वैसे यहाँ पर देखते तो हम तो ये होता 485 तो 485 कौन से प्लेट पे 1000 प्लेट है तो हम
पर क्या थाउजेंड। तो मैंने आपको बताया था कि 205 ग्राम चिकन है तो ये कौन से प्लेट में 1000 प्लेट में, ये कौन से प्लेट में आएंगे 1000 प्लेट में आएंगे। जैसे लिखा जाएगा 205 ये मिली कौन से 1000 प्लेट है। ओके 205 1000 हमने ये प्लेट का उसका अलग कर दिया। देन है 284 तो ये इस तरीके से बनेगा। उसके बाद हम इनके कोमा से इसे बनाते हैं 205000 कोमा यहां पे 1000 का प्लेस है 284 ये शेड ऑफ 1 है ये ऑफ 1000 है ये ऑफ 1 है ये हमारा हो गया इसकी नंबर फॉर्म विद करेक्ट प्लेस ऑफ कोमा। ओके हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम ये नंबर्स को इनके तरफ पुट करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ाएंगे 205000 205000 हम 1000 को हटा देंगे 205 पढ़ेंगे 205 और कौन से प्लेस है 1000 प्लेस है तो हम 205 को लिखेंगे। कौन से प्लेस लिखेंगे एड ऑफ 1000 के अंदर लिखेंगे। हमने इसे 10000 प्लेस के ऊपर 205 लिखा है क्योंकि पीरियड कौन सा 1000 पीरियड है। पीरियड ऑफ मंथ पे हमारे पास ये एज इट इज 284। ओके हमने लिखे यहाँ पे 284 इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है 31,607,050। पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ प्रेसिडर 10 मिलियन उसके बाद 100,000 10,000 1,000 100 10 and 1 प्लेस में चार्ट बना दिया। ओके अब हम इनके पैसे से पढ़ देंगे। हमें बहुत करना है कि ये जो है ये मिलियन प्लेस पे है 31 मिलियन तो 31 क्या है मिलियन है। अगर हम 3 ना होता तो ये हमारा था 1 मिलियन तो 1 मिलियन यहाँ आता तो ये 31 मिलियन है और हम इसे लिखेंगे 10 मिलियन वाले जगह पे। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 1 मिलियन ये 30 मिलियन हो जाएगा और ये 1 मिलियन हो जाएगा। तो 3 और 1 को हम इनके पैसे पे रख देंगे मिलियन वाले पीरियड में 31 मिलियन। उसके बाद हमारा ये हो गया 31 मिलियन वाला प्लेस। उसके बाद ये 607,000 ये पीरियड ऑफ 1000 के अंदर ये 1000 का पीरियड है तो यहाँ क्या 607,000। ओके तो यहाँ हम लिखेंगे 600 के पीरियड में 607 ऐसे लिखा जाएगा 607 अगर हम अलग करते हैं तो 607 ऐसे लिखा जाएगा 607 और प्लेस कौन सा 1000 पीरियड है तो हम इसको 1000 पीरियड में लिखेंगे 607 और 607 और पीरियड कौन सा 1000 का। देन यहाँ पे क्या 50 लिखा होगा तो 50 हमें पता है ऐसे लिखा जाएगा तो ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ वर्स। अब हम इसे करेक्ट प्लेस कॉमा में लिखेंगे। मैं एक बार फिर से समझा देती हूं आपको 31 मिलियन को हम मिलियन प्लेसेस पर रखेंगे मिलियन वाले पीरियड पर रखेंगे। 31 हमने मिलियन 10 मिलियन और मिलियन वाले पीरियड 31 रख दिया। देन क्या हमारे पास 607,000 तो 607 ऐसे लिखा जाता है और 1000 प्लेस पे तो 607 पीरियड कौन सा 1000 पीरियड पे हमने इसको रख दिया। देन क्या 50 है को हमने एज इट इज पीरियड ऑफ मंथ में रख दिया मंथ प्लेस पे और टाइम प्लेस पे। ओके अब हम राइट प्लेस ऑफ कॉमा लगाएंगे 31,607,050 तो ये हो गया पीरियड ऑफ मंथ ये हो गया पीरियड ऑफ 1000 और ये हो गया मिलियन। ओके तो ये था हमारा आंसर। ओके इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको